यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव लोकसभा में जिस तरह राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े हैं, उससे वह नेता कम और गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लग रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बता दें आपको, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जिस तरह राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े हैं, उससे वही नेता कम और गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लग रहे हैं। दरअसल बीते दिन लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर अखिलेश यादव भड़क गए थे। उन्होंने इस बयान पर सदन में तीखे तेवर दिखाए थे। सोशल मीडिया पर अखिलेश और अनुराग के बीच गर्मा गर्म बहस का वीडियो काफी चर्चा में है। गौरतलब है कि यूपी बीजेपी में खटपट की खबरों के बीच अखिलेश अक्सर केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते रहे। मौर्य भी उन्हें अपने अंदाज में जवाब देते आए हैं। इस बार पलटवार के बीच जब अखिलेश यादव की सांसद में अग्निवीर योजना और जातिगण जनगणना पर अनुराग ठाकुर से जोरदार बहस हुई, तो केशव मौर्य ने इस पर चुटकी ली। बता दें आपको, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव जिस तरह राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वह नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। मौर्य ने आगे लिखा कि हम 2027 में 2017 दोहराएंगे, यानी कि यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे।